सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं त्रिभुवन साहनी, मेरा सादर प्रणाम। और आज से छठ पूजा का जो पर्व है, वो आज से प्रारंभ हो चुका है। आज नहाए खाए है, जिसको हम कद्दू भात भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बिहार में। सो आज से ही स्टार्ट हो चुका है। आज नहाए खाए है, कल खरना होगा, परसों सांझ की अरग और फिर सुबह की अरग जो होती है वो स्टार्ट होगा। सो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा बाजार में जाके कि आज बाजार का क्या माहौल है, कैसा एक्टिविटी है यहाँ पे, किस टाइप का गांव में होता है। और अभी मैं अपने गांव पुरैनी में आपको दिखाऊंगा, अच्छे से बाजार घुमाऊंगा, कैसे दो दिन पहले से ही मतलब सारी सामग्रियां मिलने की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको आज जाऊंगा, शाम में जाऊंगा या फिर अभी कुछ देर पहले ही जाऊंगा, कुछ देर बाद जाऊंगा, मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे सारी कुछ मिलती है, सामान वगैरह, फल हो गया, बद्दी और सिंदूर, दिया और भी बहुत कुछ है, जो भी चीज लगती है, टोकरी, सूप, जो भी मिलता है, जो भी उस चीज में लगती है, वो सारी चीज आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे गांव पुरैनी बाजार का मार्केट में आज आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब छठ का पर्व आता है तो, और पूरा बाजार सजा हुआ दिखता है एकदम। बहुत ही अलग टाइप का फीलिंग आता है कि अरे बहुत ही गजब लगता है देखने में। सो अभी मैं आप लोग को ले जाऊंगा जो कि बाजार जस्ट थोड़ी सी दूर है घर से, एक मिनट भी नहीं लगता है जाने में, बस जाता हूँ, बस हो गया, वही बगल में ही है, थोड़ी सी दूर है, बस वहीं पे जाऊंगा मैं आप लोग को और दिखाऊंगा। सो अभी तो चलते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस, देख सकते हो कि आज कितना भीड़ लगता है, कितना ही गजब लगता है देखने में बाजार पुरैनी का। सो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग गाइस कितना गजब लगता है देखने में। ये पूरा मार्केट सिर्फ छठ पूजा के लिए ही सस्ता है, वो आज तो बहुत ही कम है। मैं आपको कल दिखाऊंगा कल का व्यू कितना गजब लगता है देखने में। कल सबसे ज्यादा भीड़ होगा बाजार में, आज तो बहुत ही कम है, कल बहुत ज्यादा होगा, कल आने जाने को नहीं मिलता है। आज तो बाइक सब घुस जा रहा है बाजार में, लेकिन कल पूरा प्रशासन के साथ रहती है। और देखा जाए तो देख सकते हो कहाँ तक, वहाँ मंदिर तक भीड़ लगा पड़ा है पूरा, सिर्फ छठ पूजा का ही सामान मिलता है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। छठ पूजा का जितना भी सामान हो पूरा ये ही सब है। छठ पूजा का सामान जो सूप में पड़ता है, अमरूद, सेब, वो और ये सब क्या है नाम तो नहीं पता, बट ये सब मिलता है, सिंघाड़ा, मिश्री, संतरा और टाब, हल्दी, मूली, यही सब लगता है। सो यही सब है, पूरा बाजार, पूरा मार्केट इसी चीज से सजा पड़ा है, पूरा मार्केट। आप जैसे आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, पूरा मार्केट जहां तक आप देखो वहां पूरा मार्केट ही सजा पड़ा है। ये देख सकते हो भाई, बद्धी, चूड़ी, सिंदूर और ये दिया, पूरा एकदम मार्केट में ना यही सब रहेगा। आज मैं दिखाऊंगा आपको बड़ा मार्केट, छोटी मार्केट, मेरे घर पे दो मार्केट है घर के तरफ,
एक बड़ी मार्केट, एक छोटी मार्केट। छोटी मार्केट पूरा सिर्फ ना यही चीज से भरा पड़ा रहता है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और मैं आपको दिखाता रहूंगा। जैसे कि आज मैंने दिखाया है आपको पूरा बाजार का व्यू, आज बहुत कम था, कल मैं आपको दिखाऊंगा कितना ज्यादा होता है, पूरा एकदम भरा रहता है पूरा एकदम। सो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।